खुशामदीद मोहतरम नासरीन, आप तमाम का HKA न्यूज़ में खैर मकदम है। BRS पार्टी ने 115 उम्मीदवारों का कर दिया ऐलान, जबकि 7 मौजूदा अरकान असम्बली टिकट से रह गए महरूम। चीफ मिनिस्टर व BRS पार्टी के सदर के चंद्रशेखर राव ने तकरीबन 115 उम्मीदवारों की फहरिस्त का ऐलान कर दिया। तेलंगाना भवन में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने साल 2023 के असम्बली इंतखाबात के लिए BRS पार्टी के MLA उम्मीदवारों की फहरिस्त का ऐलान कर दिया। CM KCR ने मजीद ऐलान किया कि उन्होंने 7 हलकों के अलावा माँ बाकी तमाम उम्मीदवारों को दोबारा से मौका दिया है। इसी तनाजुर में दोबारा से MLA बनने पर तमाम असम्बली हलकों में खुशी का माहौल देखा जा रहा। खैरताबाद डिवीज़न में भी आज बतारीख 22 अगस्त को तबेला बस्ती एरा मंजिल में कांग्रेस पार्टी से बड़ी शमूलियत इख्तियार की गई। खैरताबाद हलके के मोहम्मद अफसर और कांग्रेस के पैरोकार श्री दानम नागेंद्रा की क़ियादत में साबिक़ वज़ीर व खैरताबाद MLA दानम नागेंद्रा की क़ियादत में BRS पार्टी में कई सारे कांग्रेसी लीडरान ने शमूलियत इख्तियार की। इस प्रोग्राम में बस्ती आवाम की जानिब से शानदार तरीके से इनका इस्तकबाल किया गया। इस प्रोग्राम में डिवीज़न के सदर अरुण कुमार और BRS पार्टी के कायदीन और कई सारे लोग भी इस मौके पर मौजूद थे। आइए देखते हैं इस खसूस में मज़ीद तफसीलात। पेश रिपोर्टर मोहम्मद रफ़ीक की HKA न्यूज़ के लिए यह खसूसी रिपोर्ट। नाज़रीन, अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले, ताकि इसी तरह की हर लेटेस्ट व ब्रेकिंग न्यूज़ आप तमाम को बराबर से मिल सके। बुजुर्गों, आज बहुत खुशी की बात है। आज जो है मस्जिद रंग के दामन से आपको मुखातिब करने का जो मौका मुझे दिया है, अहले मौला तबेला बस्ती के सभी बुजुर्गों को, नौजवान साथियों को, कलातीनों को, मेरे पढ़ते नसीब भाइयों को, बहनों को, जो है दिल के अंदर गहराई से आपका मैं शुक्रगुजार हूँ। खासकर जो है आज हमारे अफसर भाई के सरपरस्ती में काफ़ी लोग BRS पार्टी में जॉइन हुए। अभी अफसर भाई बात करते हुए आपके मुताबिक करते हुए बोल रहे थे कि KCR साहब कितने कामों को उन्होंने अंजाम दिया। आप लोग देख रहे हैं आज जो है माइनॉरिटियों के लिए, खासकर तो माइनॉरिटीज़ का ओवरसीज स्कॉलरशिप हो और शादी मुबारक हो और काफ़ी जो है आज तो स्कीम्स ला चुके हैं। हाल ही में जो स्कीम चालू हुआ 1 लाख रुपए का जो माइनॉरिटी को देने का, मैं समझता हूँ यहाँ पर भी तकरीबन लोग आया होगा, नया आया तो भी फिर आ जाए। कितने लोग आए? नहीं नहीं, अभी 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 आ रहे आज भी। अभी यहाँ पर ये बस्ती में कितने लोग आए? 3 लोग आए। अभी बाकी लोग जो भी इसमें लगाएंगे माइनॉरिटी के, इसमें जरूर इंशाल्लाह ताला वो भी आ जाएगा। और मेरा यही गुजारिश है यहाँ पर जितने मेरे गवाही भाई है, महिला है, बहना है, महिला है और अम्मा बालक है, उनसे मेरी एक ही गुजारिश है। आप लोग देख रहे हैं गुज़िश्ता कितने सालों से बहुत सारे हुकूमत आए गए, लेकिन गरीबों की आवाम को, गरीबों की माशी हालात को, खासकर हमारे माइनॉरिटी मुस्लिम माइनॉरिटी का माशी हालात को कोई भी नहीं समझा। हिंदुस्तान की अस्तारी गवाह है, सिर्फ और सिर्फ अगर कोई है हिंदुस्तान में ऐसा रियासत कोई है तो KCR साहब के सरपरस्ती में तेलंगाना में ये सरकार है। KCR साहब की जो है ये पूरा सहरा जो है KCR साहब को जाएगा। इसीलिए मैं आप लोगों से यही गुजारिश करना चाहूँगा, यहाँ पर कुछ लोग जो है कोई कांग्रेस को बोलता, कोई BJP को बोलता, आप BJP के लिए तो मैं बोलना नहीं है, काफ़ी सारा चीज़ों को आपको मालूम है जिस तरह UP में हो, मध्य प्रदेश में हो, क्या हो रहा। अगर कोई भी रवड़ी कुछ गलती करे तो बस्ती बस्ती तोड़ दे रहे हो, ये कौन सा कानून है कभी तक हम नहीं सुने। अगर कोई भी गलती करती साहब तो शाहीन बानों का रेप केस हुआ, भाई बाइज्जत भरी हो जाते हो, उसका कोई पकड़ने वाले नहीं। ये BJP का अर्थात उनका रवैया ऐसा है। अब कांग्रेस वाले हैं, इलेक्शन आते हैं उनको माइनॉरिटीज याद आते, इलेक्शन के बाद में देखता भी पटक के भी देखता भी नहीं कौन। लेकिन हमारे चीफ मिनिस्टर एक हिंदू मुस्लिम के अलग बरदार और जो है शहर हैदराबाद को जो गंगा जमुना की जो तहजीब को बरकरार रखते थे, आज तक जो है एक भी ऐसा मसला, एक भी ऐसा एक इश्यू नहीं हुआ, एक भी जो है इंसिडेंट ऐसा नहीं हुआ ओल्ड सिटी से लेके न्यू सिटी तक यहाँ पर हिंदू मुस्लिम का कोई फसाद नहीं हुआ। हम सुनते थे इससे पहले कितने फसादा होते थे, कितने हमारे माँ बहनों को जो बाहर निकलना कितना मुश्किल होता था। हाल ही में जब कर्नाटक में जो BJP का सरकार था, जो हमारे बहना जो है कॉलेज को जाना तो भी जो है उनका
हिजाब लेकर हम क्या बोले। एक तरीका है, कुरान में लिखा है हमारे मुस्लिम माइनॉरिटी बहना जो है हिजाब के बगैर हिजाब के घर से बाहर नहीं निकलते, घर के अंदर घुसता गए लोग गोशे में रहते, गोशे से जब बाहर आएंगे हिजाब पहन के आएंगे। वो 80 साल की हमारी माँ होंगे, 16 साल की भाई भी होंगे। ये हमारा मजहब सिखाता, इसीलिए हमारा चीफ मिनिस्टर साहब क्या बोलते, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है मतलब हिंदुस्तान हमारा। तो इसीलिए हम चाहते आप लोगों से गुजारिश करना चाहेंगे, आप लोग जो दिल पे हाथ रख के सोच लीजिए एक बार। अब चुनाव के लिए मैं नहीं आया, चुनाव के लिए फिर आऊंगा भाई, इलेक्शन के लिए क्या पूछना है क्या बोलना है मैं बोलूंगा, लेकिन आप लोग सोच लीजिए। हम हमारे चीफ मिनिस्टर साहब ऐसा है, गरीबों के आवासीय हालात को मद्देनजर रखते हुए इतने सारे स्कीम्स हिंदुस्तान में, इतने रियासत है 29 रियासत है, वहाँ कांग्रेस के हुकूमत चलाने वाले भी है, बीजेपी के चलाने वाले भी है। ऐसा स्कीम्स कोई भी बीजेपी और कांग्रेस का हुकूमत चलाने वाले रियासतों में है क्या, आप पूछिए। मेरी यही गुजारिश है आप लोगों से, आज जो है स्कॉलरशिप जो मिल रहा आप लोगों को माइनॉरिटीज का, ओवरसीज का स्कॉलरशिप मिल रहा 20 लाख रुपए, मैं चैलेंज करूंगा जो है आज तक हिंदुस्तान की तारीख गवाह है ऐसे स्कीम्स लाने वाले अगर कोई है हिंदुस्तान में तो सिर्फ और सिर्फ केसीआर साहब है। इसीलिए हम लोग को मालूम है हमारे मासी हालात, हमारे माइनॉरिटी मुस्लिम माइनॉरिटी के मासी हालात से जो है बच्चों को नहीं पढ़ाते थे, बच्चों को नहीं पढ़ाते थे, जैसा ही बच्चा बड़ा हो गया 10-12 साल का उसको कोई ना कोई काम पे लगा देते थे। इसलिए मुझे मालूम है कि मैं हल्के आसिफ नगर से 3 बार MLA जीता हूँ, वहाँ भी मुस्लिम माइनॉरिटी थे। उन लोगों को मैं पूछता था क्या भाई तुम्हारा बच्चा, साहब हमारा बच्चा एक मौसला बड्डी चला रहा, एक मैकेनिक का काम चला रहा, एक ऑटो चला रहा। अरे फिर घर वाले क्या करें, नहीं घर के पास एक पान डब्बा लगा लिया सर, वो गोशे में रहते कोई आए तो अंदर से ही देखे पैसे ले लेते। ये था हमारी हालत। लेकिन आज हम लोग जो है हमारे बहना जो है इतनी तालीम हासिल करके गौरव आज जो प्राउड फील कर रहे हैं हमारे बच्चियाँ, और उनके माँ बाप भी जो है इतना प्राउड फील कर रहे हैं, इतना फकर फील कर रहे हैं कि हमारे बच्चियाँ पढ़ रहे, हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं, बच्चों को अच्छी तालीम मिल रही है। ये सिर्फ और सिर्फ केसीआर साहब की जो है स्कीमों की वजह से, उनकी जो है दूर की नजरियों की तरफ से ऐसा काम हो रहा है। तो इसीलिए मैं गुजारिश करना चाहूँगा, इलेक्शन का नहीं है लेकिन आज हमारे नौजवान भाइयों जो अफसर के साहब के साथ में आकर जो है आज जो है हमारे BRS पार्टी में जेल होने का जो आप इरादा बना के जो आए, मैं दिल के अंदर गहराई से आपका इस्तकबाल करता हूँ। और मैं वादा करूंगा इतने भी जितने भी लोग मेरे भाई आज जेल हुए उन सबको मैं वादा करना, जितने हमारे माँ बहन यहाँ पर दोषी में पर्दे में बैठे हुए उनको भी मैं वादा करना चाहूंगा इंशाअल्लाह ताला जरूर जो है आज हिंदू मुस्लिम का जो आज जो यहाँ पर जो गंगा जमुना की जो तहजीब है उसको बरकरार रखते हुए हर मसले को दूर करने के लिए मैं कोई भी कसर बाकी नहीं रखूंगा। ये हमारे वादा है आप लोगों से। और खास करते हुए हमारे मस्जिद-ए-हरम से मैं गामर से मैं वादा करना चाहूंगा, आप लोग से भी वादा लेना चाहूंगा, ऐसे सरकार को बचाइए जो हिंदू मुस्लिम के लिए दिन रात एक करने वाले एक ही चीफ मिनिस्टर है। परसों आप लोग सुनेंगे मेरे ख्याल से असेंबली के अंदर हमारे अकबरुद्दीन ओवैसी साहब क्या बोले, अकबरुद्दीन साहब वही जय डीएनआर।